अच्छा तो क्या बचा हमारे पास लेफ्ट साइड में, 9 sin x + cos x = a sin x + b cos x, तो a क्या हुआ और b क्या हुआ, जस्ट कंपेयर, समझा? अगर मैं बोलूं ax स्क्वायर प्लस bx इज 9x स्क्वायर प्लस 3, तो a क्या हुआ b क्या हुआ 3, कहां पे? ओके 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 ओके, ये माइनस प्लस 80 हो गया, देख लो कितना हो गया, ये कट गया 18 cos x मतलब 27, ठीक है कोई नहीं। बट बिफोर वी बिगिन विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे, यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड जेई बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए iitwalebaba ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन करो, ये चलो ये चार क्वेश्चंस करो।
सारे आसान क्वेश्चन है ना, अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे है। स्लो है क्लास, अभी तक तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, आंसर दिखाओ। 2/√3 देखेंगे, चेक करेंगे। सेकंड वन, पहले प्रेडिक्ट कर लो साइन, साइन प्रेडिक्ट नहीं, स्टेप वन प्रेडिक्ट द साइन, स्टेप वन गलती नहीं होगी, स्टेप वन प्रेडिक्ट द साइन, सेकंड स्टेप, क्योंकि पहले साइन प्रेडिक्ट नहीं करोगी तो बाद में तुम कंफ्यूज होगी, क्योंकि बाद में रिजल्ट तुम्हें प्लस माइनस में कंफ्यूज करेगा, तो वो पहले ही ख़त्म कर लो उस कन्फ्यूजन को। So is it going fine? Okay, let's do it together. 300 degree, which quadrant? Fourth quadrant. So sine is going to be a negative quantity. 330 degree, which quadrant? So tan is again going to be a negative quantity. 420 degree, 420, kaha hai? First quadrant. So it's going to be a positive quantity, right? So multiply ho raha hai. Second quadrant, tan, negative, negative, sine 210 degree, third quadrant, negative, fourth quadrant, sec, positive. So, kul milake sab positive ho jayenge. So, no worries about sine. We just have to find the value. Okay? So, 90 into 3 plus 30. 90 into plus 30. So 3 is odd. So sine will become? So cos 30. 90 into 3 plus 60. So tan will become? 90 into 3, right? 90 into 4. Sec will remain?
90 plus 45, so tan will become cot. Into 2 plus 30, so sine will remain. 90 into 3 plus 45, so sec will become. Since सारे negative सब cancel हो गए थे तो sin मतलब अब सारी positive ही answer थी, इसलिए मैंने हटा दिया सबको, right? So cos 30 is sin 60, that is root 3 by 2. Cot 60 is tan 30, that is 1 by. Sec 60 is 1 upon cos 60. 1 upon cos 60 is 1 upon sin 30, that is 2. Upon cot 45 would be 1, sin 30 would be half, and cosec 45 would be 1 upon. So this gone, 2 root 2. Na? Oh, sorry. So final answer would be root 2. Clear? Aapka lekin dusra aaya tha. Kyun gadbad hua tha? Pehle plus minus. ठीक है, तो स्टेप कभी नहीं भूलना है, प्रेडिक्ट द साइन 90 इनटू एन प्लस थीटा, दैट्स इट. ओके, नाउ हियर अगेन द चैलेंजिंग पार्ट इज प्रेडिक्ट द साइन एंड देन वी कैन हैंडल एवरीथिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू क्लॉकवाइज एंगल क्या करेंगे, हमारा सर दर्द करेगा, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, नेगेटिव को हैंडल करके, राइट, उसको एंटी क्लॉक बना के. सो फर्स्ट वन में किसी को इश्यू है? नहीं, सबको समझ में आया हमने क्या किया था, जो बेसिकली उतने देर से बात कर रहे थे बिल्कुल वही किया. x माइनस 3 पाई बाई 2, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल विथ 3 पाई बाई 2 माइनस x. सो कॉस को मैं माइनस करने के लिए मुझे फर्क पड़ेगा क्या? नो, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 3 पाई बाई 2 माइनस x विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पंगा, राइट. ये ठीक लिखा हुआ है? अब पहले सबको क्लॉक कर लेते, एंटी क्लॉक कर लेते, ये ठीक है, कोई तंग नहीं कर रहा है, ये भी तंग नहीं कर रहा है, ये भी तंग नहीं कर रहा है, ये भी तंग नहीं कर रहा है, सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ, है ना. अब हम साइन प्रेडिक्ट करेंगे. 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो मैंने यहां नेगेटिव लिख दिया, राइट. थ्री अगेन थर्ड क्वाड्रेंट प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन क्या होगा? ठीक है, 32 पाई, द व्हील गोज राउंड एंड कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, सो नो इश्यू, प्लस, है ना, समझ में आया? 32 पाई, 16 रेवोल्यूशन एंड देन बैक टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. 19 पाई माइनस एक्स, सो 18 पाई इज ऑफ नो यूज, पाई माइनस एक्स ब्रिंग्स इट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, क्लियर. नाउ अगेन द व्हील गोज राउंड एंड राउंड, 56 पाई, सो नो इश्यू, पॉजिटिव, राइट. अगेन 16 पाई ऑफ नो यूज, then it becomes pi plus x. Pi plus x is third quadrant. Third quadrant mein negative into negative? Positive. ठीक है? हो गया. Sin का लफड़ा खत्म. Now, 3 into pi by 2 is nothing but 3 into 90. 3 is odd. So, cos will become? Minus sin x. Clear? अभी minus में confusion नहीं होना है. क्योंकि हमने माइनस को हैंडल कर लिया है. ये मत बोलना सर यहाँ पे प्लस एक्स होना चाहिए था क्या, हमने वो हैंडल कर लिया है, क्योंकि माइनस के हम थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ले आए थे, राइट. तो डोंट कंफ्यूज, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, पहले क्या करना है? साइन, उसके बाद साइन के बारे में टेंशन लेना ही नहीं है. तो माइनस साइन एक्स, 3 into π/2, अगेन साइन विल बिकम 32 pi, of course, means 64 into pi by 2. 64 is even, right?
19 पाई अगेन 38 इंटू पाई बाई टू इवन, ठीक है इवन, इवन 17 पाई इज 34 इंटू पाई बाई टू इवन, ठीक है। अब साइन वाले कितने हैं, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स खत्म, अकेला बच गया प्लस 9 साइन एक्स, ठीक है। और कॉस वाले कितने हैं, माइनस कॉस प्लस कॉस खत्म, लेफ्ट क्या है प्लस कॉस एक्स। तो ए क्या हो गया और बी क्या हो गया, वन। तो ए प्लस बी क्या हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं सिंपल है। साइन में कोई प्रॉब्लम है, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज 3 इंटू 90 राइट, 3 इंटू 90 ना, पाई बाई टू इज नथिंग बट 90, तो 3 इंटू 90 मतलब क्या हुआ, ऑड। ऑड में क्या होता है, कॉस साइन बन जाता है। अगेन दिस इज अगेन 3 इंटू 90, अगेन साइन विल बिकम, दिस इज अगेन 32 इंटू पाई विच मीन 64 इंटू पाई बाई टू, 64 इंटू 90 विच मीन्स इवन, तो साइन विल रिमेन 19 पाई इज 38 इंटू पाई बाई टू, 38 इज इवन, 56 पाई अगेन 112 पाई बाई टू, मतलब 112 इज इवन, 17 पाई इज 34 इंटू पाई बाई टू, 34 इज इवन। अच्छा तो क्या बचा हमारे पास लेफ्ट साइड में, 9 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ए क्या हुआ और बी क्या हुआ, जस्ट कंपेयर, समझ में आया? अगर मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ए क्या हुआ, बी क्या हुआ, 3, बस। हाँ कहां पे, ओके 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 ओके, ये माइनस प्लस 18 हो गया, देख लो कितना हो गया, ये कट गया 18 cos x मतलब 27, ठीक है कोई नहीं, ओके डन। डू द थर्ड वन, इसे रैप कर दो सेकंड को, you have covered it, huh? करो ये करो, ये क्यूब है, कॉस क्यूब साइन क्यूब कॉस स्क्वायर, अच्छा ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर लाइन डिनोमिनेटर, दिस फ्रैक्शन अगेन अनदर फ्रैक्शन, इवेल्युएट करना है। और सब थीटा है, थीटा थीटा थीटा, सो यू हैव टू गेट योर आंसर इन थीटा अगेन थीटा एंड देन गेट योर फाइनल आंसर। बड़ा अगली बार से हमारे पास बड़ा बोर्ड क्यों नहीं है, मतलब इतने छोटे से थे, मतलब आप रिकमेंडेशन दे दीजिए कि वी नीड अ बिगर बोर्ड। बिकॉज़ वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वी हैव टू टीच मेनी थिंग्स, तो बड़े बोर्ड में रिपीट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। It's 2:45 na? Do it. We have only half an hour. We have to discuss the graphs also. Ye to ho gaya, jaldi jaldi karo. 270 plus 30. Again 19 into 3. Pehle 270 plus 30 kaun se quadrant mein hai?
फोर्थ क्वार नेगेटिव होगा. दिस इज इन विच क्वारंट 270 माइनस थर्ड क्वारंट एंड नेगेटिव. नेगेटिव का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव. माइनस टू सेवेंटी नेगेटिव. फाइव फोर्टी प्लस थीटा 360 खत्म. 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव. ये क्यूब है, ये क्यूब है, राइट है ना. नीचे देखो क्या हो रहा है. 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, राइट. कॉस स्क्वायर देखना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट. ओके 19 टू 3 ऑड 19 टू 3 ऑड साइन क्यूब थीटा बेसिकली है ना. 19 टू 3 19 टू 6 90 प्लस थीटा 19 टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर. व्हाट इज 180 माइनस थीटा? 19 टू 2 रिमेन सेम. ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर लो. ये फिर बाद में इसमें आएंगे, पहले फ्रैक्शन को हैंडल कर लेते हैं. तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. सो बेसिकली यू हैव कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा साइन. ओहो, करना ही नहीं है, नीचे सॉल्व करना है ना. ये तो जीरो हो गया. तो दिस होल थिंग हैज बिकम जीरो. नो नीड टू टॉक अबाउट इट नाउ. क्लियर? नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, या नीचे देखना पड़ सकता है. क्यों? क्योंकि अगर नीचे जीरो आ रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है. वी कैन फैक्टर आउट, राइट. अच्छा, इधर देखते हैं. सेकंड फ्रैक्शन कॉट 270 माइनस कॉट मतलब क्या हुआ? 19 टू 3 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव. सो इट विल रिमेन पॉजिटिव अपॉन कोसेक विल रिमेन पॉजिटिव क्योंकि इट्स अ स्क्वायर. नाउ 19 टू 3 मेक्स इट ऑड. तो कॉट विल बिकम एंड कोसेक स्क्वायर 19 टू 5 इट मेक्स इट tan theta plus tan theta upon which you can write as tan theta upon 1 plus tan square theta or whatever you can leave as it is. Samajh mein? Clear? Good. What about fourth? If tan theta is minus 4 by 3, sine is minus 4. Wow. Can sine be minus 4? Why sine can never be minus 4? Of course, sine can never be greater than 1 or less than minus 1. तुम सोच सही रही हो लेकिन तुम जल्दी बोलने के चक्कर में गलत बोल दी. फिर से बोलो क्या होगा. हाँ हाँ, बेसिकली अभी थोड़ी देर के लिए साइन बोल जाओ. 4 by 3 बिकम्स बेसिकली हाइट अपॉन बेस. हाइट इज 4, बेस इज 3. सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? 5. सो व्हाट इज साइन? 4 by 5 कॉस बाई 5. 3 by 5 cos हो गया 3 by 5, राइट. लेकिन अब क्या है? ये माइनस है. क्वेश्चन ये है कि tan अगर नेगेटिव होता है तो साइन नेगेटिव हो सकता है या cos नेगेटिव हो सकता है? दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट. सो इफ आई से tan थीटा इज माइनस 4 by 3 तो दो केस बनेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू 4 by 5
एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू या मतलब टैन नेगेटिव है तो टैन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और अगर ये सिनारियो है तो आपका थीटा कहां है, और अगर ये सिनारियो है तो क्या थीटा, समझ में आया? दैट इज द वाई आई वाज ट्राइंग फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो इफ आई से टैन थीटा इज नेगेटिव, it is either in second quadrant or fourth quadrant. If it is in second quadrant, it means sine is a positive fellow and cos is a negative fellow. And when I say tan is negative and theta is in fourth quadrant, it means galti kiski hai? Sine ki. Lekin normally, jab aap aage badhiyega, straight line ki classes mein jab aap jayegi, to theta ki range hoti hai 0 se 180 degree. So you have to be, aap logon ne class, straight line aisa padh liya hoga na, NCRT level, school mein, slope log padha hoga na, tan theta is the slope, theta कहां से कहां रेंज करता है 0 से 180 डिग्री। तो अगर tan theta negative है, slope negative है, तो आपका sin theta positive होता है और cos theta negative होता है। आपने इसे पढ़ा है, जो कोई भी बच्चा पढ़ा है ऐसा, तो you have to be very careful। जब tan theta negative होता है तो आप randomly कोई भी किसी को भी positive negative नहीं लेते हैं। If theta is the slope, angle of slope, then this is the scenario। गलती किसकी है, cos की। आप लोगों की स्ट्रेट लाइन स्कूल में पढ़ोगे तो आपने पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ा होगा, x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta, नहीं पढ़ा ये सब? क्या पढ़ा स्कूल, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, कुछ भी नहीं। ओके अंडरस्टूड। सो सब जब भी tan नेगेटिव, द पंच लाइन इज वेन एवर यू सी tan एज नेगेटिव डोंट जंप, जैसे वो जंप की थी, कट द आइडिया। इफ tan इज नेगेटिव, even if tan is positive, you can either be in first quadrant or third quadrant. Okay, so when you see tan, the sine of tan, don't jump. Observe theta hai kya, what is it talking about? Every time it won't say I'm in second quadrant or I'm in fourth quadrant. You have to decipher that whether it is in second quadrant or whether it is in fourth quadrant, right? Mathematics mein galti sirf jaldi mein hoti hai, aise galti nahi hoti hai अगर आंसर आता है तो। ऑफ कोर्स